हेलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स का ये कमेंट आ रहा था कि भैया ये बताइए कि अभी जो आई मैच चल रहा है उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी पड़ रहा है तो उन सबको जो सैलरी मिलता है वो मंथली बेसिस पे मिलता है या फिर जिस दिन मैच होता है उसके लिए कोई स्पेशल पैसा मिलता है या नहीं और मिलता है तो कितना मिलता है इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए तो दोस्तों इसी के ऊपर हम आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मंथली सैलरी के अलावा यदि उस स्टेडियम में मैच होता है जिस स्टेडियम में एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात होता है तो उस स्टेडियम में आ, मैच होने पे एक सिक्योरिटी गार्ड को उस दिन के कितना चार्जेस मिलता है या फिर नहीं मिलता है तो इसी के ऊपर हम आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इंडिया में जितने भी स्टेडियम हैं उन सारे स्टेडियम में तकरीबन तकरीबन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ही रहते हैं दोस्तों जितने भी स्टेडियम हैं उन सभी स्टेडियम में अलग अलग कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड देखा गया है यानी कि यह नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया में जितने भी स्टेडियम हैं उन सारे स्टेडियम में एक ही कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ऐसा नहीं है तो दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि मान लीजिए एक स्टेडियम है

पैसा बनता है एक सिक्योरिटी गार्ड को क्योंकि जिस दिन मैच होता है उस दिन एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी आ जाता है तो इसी को देखते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे पहले से पोस्टेड होता है उसका मंथली सैलरी जितना होता है वो तो मिलता ही है लेकिन स्पेशली जिस दिन वो ड्यूटी करता है खासकर जिस दिन मैच है उस दिन का तो दोस्तों उसके लिए भी बोनस के तौर पर एक्स्ट्रा चार्जेस मिलता है दोस्तों ये आ, सारा सिक्योरिटी कंपनी तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देता है लेकिन बहुत सिक्योरिटी कंपनी है जो अपने सिक्योरिटी गार्ड को एक्स्ट्रा पैसा देता है क्योंकि वेंडर के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को मिलता है इसीलिए कंपनी भी अपने सिक्योरिटी गार्ड को देता है तो दोस्तों आ, बहुत सिक्योरिटी कंपनी है जो एक दिन का यानी यदि आई है तो आई में तकरीबन तकरीबन एक हजार हज़ार रुपये एक्स्ट्रा एक दिन का मिलता है कोई कोई ऐसे भी कंपनी है जो तो उसके लिए तक्रिवन, 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 पाँच, पाँच, भी एक सिक्योरिटी गार्ड को एक एक दिन का एक एक एक्स्ट्रा पैसा है ये फिर टेस्ट मैच है, तो ये पैसा और ज्यादा बढ़ जाता है यह पैसा पांच हजार से भी ज्यादा मिलता है लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी कंपनी जो अपने कम्पनी, जो कंपनी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड है या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर है उन लोगों को यह चार्जेस नहीं देती है तो दोस्तों ये डाटा मेरे पास नहीं है कि कौन कंपनी अपने सिक्योरिटी गार्ड को एक्स्ट्रा पैसा खासकर मैच के दिन वाला पैसा देता है या नहीं देता है तो मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है यदि डाटा रहता तो हम आप लोगों को जरूर बताते और दोस्तों यदि आप कोई सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे और आपका ड्यूटी कोई स्टेडियम में है और खासकर मैच के दिन भी यदि आप ड्यूटी किए हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है या नहीं और आप किस कंपनी से हैं तो दोस्तों ये चीज जरूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो डाटा शेयर कर सके और लोगों तक ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि ये कंपनी अपने सिक्योरिटी गार्ड को मैच के दौरान एक्स्ट्रा पैसा देती है ताकि हर एक सिक्योरिटी गार्ड को ये पता चल पाए कि उसका कंपनी दे रहा है या नहीं दे रहा है दोस्तों एक तो और रीजन है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को एक्स्ट्रा पैसा मैच के दौरान क्यों दिया जाता है क्योंकि देखिए जब मैच स्टार्ट होता है खासकर वनडे और टेस्ट वाला मैच तो दिन दिन भर यानी कि दो दिन तीन दिन लगातार मैच होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी बर्डन ज्यादा ड्यूटी करेगा तो बात है कि एक्स्ट्रा बनेगा ही बनेगा ओटी तो मिलेगा लेकिन ओटी के अलावा भी मैच होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है बोनस के तौर पर ताकि एक सिक्योरिटी गार्ड का मनोबल बना रहे तो दोस्तों पूरा डिटेल रहा कि आई मैच के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को कितना मिलता है उसके बाद में टेस्ट मैच या फिर वनडे मैच के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को कितना मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि अप्रॉक्स दो तीन हज़ार रुपये तो मिल ही जाता है और कुछ कुछ में ज़्यादा भी मिलता है दोस्तों बहुत ऐसे भी हैं जो नहीं भी देते हैं तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा क्योंकि दोस्तों हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं और साथ में कर भी रहे हैं खासकर सिक्योरिटी जॉब के बारे में उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में सैलरी के बारे में फैसिलिटी के बारे में उसके बाद में सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं और बनाने वाले भी हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद